फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉप 10 नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया देखने जा रहे हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। टॉप 10 नेशनल पार्क ऑफ इंडिया आज हम लोग देख लेते हैं। देखो, पहले डिफरेंस देख लेते हैं वाइल्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम लोग नेशनल पार्क। देखो, वाइल्ड सेंचुरी क्या होती है, इसका मतलब पहले समझो। देखो, सेंचुरी मीन्स होता है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मीन्स क्या है कि कोई भी हमारा स्पीशीज होगी जो वहां पे क्या है, शेल्टर ले सकती है। ओके, जैसे रिफ्यूजी को क्या, गेस्ट हाउस की तरह समझो। गेस्ट हाउस में क्या, कोई भी आ सकता है जिसे जरूरत है। बट नेशनल पार्क जो है उसे एक पर्सनल होम की तरह समझो। अगर ये होम है, मान के चलो नेशनल पार्क और वाइल्ड सेंचुरी हमारे क्या है, रिफ्यूजी और शेल्टर हाउस है। तो देखते हैं क्या इनमें क्या ऐसा डिफरेंस है। ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड। वाइल्ड सेंचुरी में क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। इसमें हम कल्टिवेशन कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। ओके, ये अलाउड है। पर नो ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड इन नेशनल पार्क बिकॉज दिस इज लाइक ए पर्सनल होम है। ओके, दिस इज लाइक ए रिफ्यूजी सेंटर। मेन एम इज टू प्रोटेक्ट ए पर्टिकुलर फ्लोरा और फौना। फ्लोरा मीन्स क्या होता है, हमारी जो भी वनस्पतियां पेड़ पौधों से रिलेटेड है। फौना मीन्स क्या होता है, पशु पक्षी से रिलेटेड जो चीजें, उन्हें फौना बोलते हैं। ओके, कैन इंक्लूड फ्लोरा फौना और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। देखो, इसमें क्या होता है, फ्लोरा फौना तो हो सकते हैं होना, बट क्या होगा, एक पर्टिकुलर किसी स्पीसीज को क्या करेगा इसमें हम लोग प्रिजर्व करते हैं नेशनल पार्क्स में। देयर आर नो फिक्स बाउंड्री, क्योंकि गेस्ट हाउस रिफ्यूजी सेंटर है, फिक्स बाउंड्री नहीं है। बट बाउंड्री आर फिक्स्ड एंड डिफाइंड। नेशनल पार्क में क्या है, बाउंड्री फिक्स्ड है और डिफाइंड है। इट इज ओपन टू द जनरल पब्लिक, यहाँ जनरल पब्लिक जा सकती है, ओपन है सभी के लिए। बट यूजली क्या होगा, ये नॉट यूजली ओपन टू द पब्लिक। इसमें क्या स्पेसिफिक या पर्टिकुलर परमिशन में इसमें क्या होते हैं, टूरिस्ट इंटर करते हैं। इसमें क्या, टूरिस्ट ऐसे ही जा सकते हैं। सेंचुरी आर यूजली फॉर्म बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नेशनल पार्क आर फॉर्म बाय द स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर। ओके, ए सेंचुरी कैन अपग्रेड टू ए नेशनल पार्क। अब देखो, नेशनल पार्क से जो पहली स्टेज है वो सेंचुरी होती है। ओके, जिसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, वहाँ कोई भी रिफ्यूजी या शेल्टर, एक तरह से रिफ्यूजी या शेल्टर होम है एनिमल्स के लिए, कोई फ्लोरा फौना के लिए। ओके, बट ये नेशनल पार्क क्या है, हमारा एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए है। ओके, तो क्या होगा, हमारा ये सेंचुरी को हम लोग अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना सकते हैं, बट एक नेशनल पार्क डाउनग्रेड करके सेंचुरी नहीं बन सकते। तो याद रखना है, सेंचुरी मीन्स रिफ्यूजी सेंटर और नेशनल पार्क मीन्स एक तरह से है पर्टिकुलर स्पीसीज को इनमें प्रिजर्व किया जाता है। वाइल्ड सेंचुरी में क्या होते हैं, सभी तरह के फ्लोरा फौना हो सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट टॉप 10 नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। देखो, सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग, ये आता है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा उत्तराखंड में, और इसे याद रखना जरूरी क्या, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क है। बाय स्टेबलाइज 1936। ओके, इट इज नॉन फॉर द बंगाल टाइगर्स। इसे याद कैसे करना है, कभी भी पूछा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या, तो नेशनल पार्क हमारे मोर देन 160 है, तो सबसे फर्स्ट जो है वो कहां से, जिम कॉर्बेट है। तो ये तुम्हें याद रखना होगा, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। रिमेनिंग के लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में, और ये फर्स्ट नेशनल पार्क है जो इंडिया में स्टेबलाइज हुआ था, कब हुआ था, 1936 में हुआ था। और किसके लिए पॉपुलर है, देख लो, इसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बंगाल टाइगर्स के लिए पॉपुलर। ओके, सेकंड पे चलते हैं। ये आता है सुंदरबन नेशनल पार्क। इट इज डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट विच इज यूनिक एंड मैग्निफिसेंट प्लेस टू विजिट। देखो, मैंग्रोव हमारे ट्रीज क्या होते हैं, सदाबहार ट्री बोलते हैं ना हिंदी में, जो कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं, और इनकी क्या होती है, रूट्स होती हैं, वो हमारी उसके बाहर भी, जमीन के बाहर भी रहती हैं। ओके, कुछ इस टाइप से पेड़ होगा और इसके जमीन के बाहर भी इसकी क्या रहेंगी, रूट्स रहेंगे, और एक क्या होगा, कोस्टल लाइन पे होंगे। याद कैसे रखना है सुंदर नेशनल पार्क, क्योंकि हमें पता है सुंदर वन डेल्टा कौन कौन सी रिवर्स बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कहाँ बनाती हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो कहाँ बनाती हैं, सुंदरवन डेल्टा कहाँ, बे ऑफ बंगाल। तो सुंदरवन नेशनल पार्क हमारा क्या होगा, वेस्ट बंगाल में। ओके, तो सुंदरवन हमारा कहाँ पर है, नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। किसके लिए पॉपुलर, मैंग्रोव ट्रीज के लिए। ये क्वेश्चंस पूछे गए बहुत बार, विच नेशनल पार्क इज पॉपुलर फॉर मैंग्रोव ट्रीज, द आंसर मस्ट बी द सुंदरवन नेशनल पार्क। विच वन इज द फर्स्ट स्टेबलाइज नेशनल पार्क इन इंडिया, दैट मस्ट बी आंसर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। थर्ड पे चलते हैं। देखो, सुंदरवन नेशनल पार्क है, ये टाइगर्स भी है और इसके अलावा ये मैंग्रोव ट्रीज है, जो कोस्टल लाइंस के पास है। देख लीजिए, कान्हा नेशनल पार्क। अब देखो, इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। मध्य प्रदेश हमारा कहाँ है, मिड में, भारत के बीच में आता है। तो बीच में कोई चीज, मान के चलो ये चारों तरफ लोग रह रहे हैं, हम बहुत भीड़ के बीच में फंस जाए तो क्या होगा, बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो हम कहें कानों को बंद रखो, नहीं तो पक जाएंगे। पकना क्या कहते हैं, मतलब कान दर्द करने लगेंगे। तो मध्य प्रदेश मीन्स बीच में, तो मध्य प्रदेश जब भी आए तो क्या रखना है, कानों को बंद रखो, नहीं तो पक जाएंगे। मैं बताता हूँ इस ट्रिक का क्या मतलब है। देखो, कान्हा नेशनल पार्क
कानों से क्या रहेगा, कानों को मतलब ईयर्स को बंद रख रहे हैं, कान्हा नेशनल पार्क प्रिजर्व मेनी इंडिजिनस स्पीसीज लाइक व्हाइट टाइगर एंड हिप्पोज। तो मध्य प्रदेश में जो हमारा कान्हा है नेशनल पार्क, वो व्हाइट टाइगर्स के लिए पॉपुलर है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया विच नेशनल पार्क इन इंडिया पॉपुलर व्हाइट टाइगर, दैट मस्ट बी द कान्हा नेशनल पार्क होगी। और ये कुछ टाइप से कैसे दिखेगा, कान्हा नेशनल पार्क ये टाइगर व्हाइट टाइप के होंगे क्योंकि यहाँ प्रिजर्व किए जाते हैं। तो ट्रिक क्या था, कान बंद रखो, तो बंद से आता है बंधवगढ़ नेशनल पार्क। ओके, अब बंधवगढ़ नेशनल पार्क भी हमारा क्या है मध्य प्रदेश में, और क्या है हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर देन एनी अदर पार्क इन इंडिया। तो बंधवगढ़ नेशनल पार्क है उसमें क्या हाईएस्ट पॉपुलेशन है टाइगर्स की इंडिया के किसी भी नेशनल पार्क की कंपेरिजन में। तो मध्य प्रदेश में कानों को बंद रखो नहीं तो पक जाएंगे। पक से देखेंगे हम एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है पन्ना नेशनल पार्क, वो भी हमारा कहाँ पर है मध्य प्रदेश में। ओके, इसे मैं आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करूंगा। तो अभी तक रखो कान्हा नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क दोनों कहाँ हमारे मध्य प्रदेश में। ओके, तो ये देखो बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, वेलकम टू द लैंड ऑफ टाइगर, क्योंकि इसमें क्या मध्य प्रदेश में ये बंधवगढ़ नेशनल पार्क है, इसमें सबसे ज्यादा टाइगर्स है इंडिया के किसी भी नेशनल पार्क के नाम पर रिजर्व। अब आता है हमारा नेक्स्ट फिफ्थ वन, फिफ्थ वन हम देख लेते हैं, ये हमारा है रणथंभौर नेशनल पार्क। तो रणथंभौर नेशनल पार्क ये हमारा कहाँ है राजस्थान में। इसे याद करने का ट्रिक क्या रखना है, रणथंभौर नेशनल पार्क आर से स्टार्ट हो रहा है तो ये राजस्थान में। ओके, ये कहाँ हमारा राजस्थान में, और ये हमारा बंधवगढ़ नेशनल पार्क क्या था मध्य प्रदेश में। रणथंभौर नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए पॉपुलर है, और क्या इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न राजस्थान एट द जंक्शन ऑफ बिटवीन एट द अरावली हिल रेंज। अरावली हिल रेंजेस कहाँ हमारी है राजस्थान में, एक बार इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया, अरावली हिल रेंजेस आर इन विच स्टेट टू राजस्थान एंड विंध्याचल प्लेटू, ये हमारे मध्य प्रदेश से राजस्थान होते हुए जाते हैं। तो इनके जंक्शन पर एक्चुअली राजस्थान में समाई माधोपुर एक प्लेस है, समाई माधोपुर एक जगह है, उसमें उस सिटी में बना हुआ है ये हमारा कौन सा रणथंभौर नेशनल पार्क। ओके, तो आज से याद रखना है राजस्थान, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क। तो एक बार ट्रिक को रिपीट कर लेते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा क्या है, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया में, स्टेबलाइज हुआ था 1936 में उत्तराखंड में, याद रखना है। उसके बाद सुंदरबन सुंदर डेल्टा से याद रखना है, मध्य प्रदेश में कान बंद रखो नहीं तो पक जाएंगे, कान से कान्हा नेशनल पार्क भाई टाइगर के लिए, बंधवगढ़ नेशनल पार्क सबसे ज्यादा टाइगर है, इसके बाद एक पन्ना नेशनल पार्क है जिसे मैं अगली स्लाइड में डिस्कस करूंगा, और इसके बाद में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क जो हमारा क्या है राजस्थान के सवाई माधोपुर। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है हमारा सिक्स दुधवा नेशनल पार्क। देखो दुधवा नेशनल पार्क हमें पता है जो मिल्क प्रोडक्शन में देखा जाए तो यूपी में ऑल ओवर द इंडिया सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है। कितना परसेंट होता है इंडिया का, 70% मिल्क प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है। तो दुधवा मिल्क को हिंदी में क्या बोलेंगे, दूध। तो दूध नेशनल पार्क या मिल्क मिल्क जब भी आएगा हमारा दुधवा नेशनल पार्क को क्या टारगेट करो इन द खैरी एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। तो खैरी लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा उत्तर प्रदेश में कहीं यहाँ नेपाल बाउंड्री पर है, तो यहीं पर हमारा क्या है दुधवा नेशनल पार्क का ट्रिक क्या है, दुधवा मीन्स दूध का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, सिक्स नंबर। ओके, तो ये हमारा दुधवा नेशनल पार्क का ये गेट कुछ इस टाइप से दिखता है। आगे आते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। देखो असम में दो पॉपुलर पार्क हैं उन्हें याद रखना है, तो हम कैसे याद रखेंगे इनका ट्रिक देख लेते हैं। तो असम में वो इंडिया से एक बहुत एक तरह से सेपरेट में एक ईस्टर्न में जाके है, बिल्कुल यहाँ से लोगों की ज़्यादा खबर नहीं आती हमें क्या हो रहा है, मास मीडिया या मेन मीडिया स्ट्रीम उसमें ज़्यादा दिखाई नहीं जाता। तो हम क्या करते हैं, हम लोग कामना करते हैं असम के सभी लोग खुश रहें, तो असम जब भी आएगा हम कामना करेंगे, तो कामना से हमारा आ जाएगा, कामना से काजीरंगा और कामना मना से आ जाएगा हमारा मानस नेशनल पार्क। ओके, तो काजीरंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वन हॉर्न राइनोसोरस, ये पूछा जाता है वन हॉर्न राइनोसोरस का सबसे ज्यादा प्रिजर्व कहाँ होते हैं इस नेशनल पार्क में, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। ओके, तो ये दिखाई दे रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये क्या हमारा वन हॉर्न राइनोसोरस, इसका वन हॉर्न ये दिखाई दे रहा है, वन हॉर्न मीन्स सींग, एक सींग होगा। तो मैंने बताया था असम के लोगों के लिए कामना करनी है खुश रहें, तो कामना से क्या आ गया हमारा का से काजीरंगा और मना से क्या आ जाएगा मानस नेशनल पार्क, ये प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन असम। तो ये भी हमारा कहाँ पर है असम में। ओके, तो ये हमारा मानस एलिफेंट मानस नेशनल पार्क, एलिफेंट इसमें प्रिजर्व किए जाते हैं टाइगर्स भी और रिमेनिंग अदर स्पीसीज भी। नेक्स्ट वो पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, मैंने बताया था इसका ट्रिक क्या, कानों को बंद रखो नहीं तो पक जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश बीच में पास से आता है पन्ना नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश, और दो क्या थे इसमें और रिमेनिंग जो थे कानों को बंद रखो, तो कान्हा नेशनल पार्क और बंद रखना हमारा बंधवगढ़ नेशनल पार्क। ओके, तो ये हमारा पन्ना नेशनल पार्क है टाइगर्स के लिए पॉपुलर है हमारा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। और इसके बाद में आता हमारा पेरियार नेशनल पार्क। देखो इसे याद करने का सिंपल सा ट्रैक है, हमें पता है पेरियार रिवर कहाँ पर है केरला में, ये मैंने रिवर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर फंडामेंटल आपको नॉलेज है रिवर्स की तो पता होगा पेरियार रिवर हमारी कहाँ पर है
ये हमारी केरला में, तो ये हमारा पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है, हमारा केरला में। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज होम टू टाइगर्स एंड सिग्निफिकेंट एलिफेंट्स। तो टाइगर्स और किसके लिए, हमारा एलिफेंट्स के लिए सिग्निफिकेंट होम, तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा, पेरियार नेशनल पार्क हमारा केरला में हो जाएगा। ओके, थेक्कडियाई केरला में आता है ये। ओके, तो ये हमारे टॉप मोस्ट 10 नेशनल पार्क ऑफ इंडिया थे, जो मोस्ट ऑफ द कंपटीशन में, मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसका पार्ट सेकंड और बनाऊंगा, उसमें एक्सेप्ट दिस 10 नेशनल पार्क, उन्हें भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि वो भी कभी कभी हमारे क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोग इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए और उनको कोशिश कीजिए मैम में एक बार इसे विजुलाइज कर लें, जिससे आपको ट्रिक याद रहेगा, एक बार देख लेंगे तो, क्योंकि हर किसी का ट्रिक डिफरेंट रहता है। तो आप अगर मैप में से एक बार देख लेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको क्या रहेंगे, ये याद रहेंगे, क्योंकि इनका क्या है, इसको रिविजन करते रहना है, इनका कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। लोग बताते हैं पोइम से याद कर लो, इसे कितना पोइम याद करोगे, एक एक स्टैंड में 5, 5, 6, 6, 7, 7 हमारे क्या नेशनल पार्क है। तो सबसे बेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले देखो, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया, उसके बाद में क्या करो अपना कोई ट्रिक बनाओ और इन्हें मैप पर एक बार देखो। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।